CTS स्कैनर है और इसको ऑन करेंगे पावर लगा के, देखते हैं ऑन होता है नहीं। तो देखिए पावर लगा दिया यहाँ पे, 32 वोल्ट 30 वोल्ट का हमारा एडाप्टर होता है। तो यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं जल रहा है, कोई भी, देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी लाइट भी नहीं जल रही है। तो इसमें आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपका आपके पास CTS स्कैनर है, अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल एंड साधारण ट्रिक है। आप इसको डिसकनेक्ट करिए और इसको खोलिए, ठीक है। उसके बाद से आपको ये जो केबल इंटरफेस बस केबल होते हैं, इनको निकालने होते हैं केयरफुली, नहीं तो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम पीसीबी को ऐसे बाहर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो पावर सेक्शन होती है हमारा है, तो ये कनेक्टर को हम निकाल लेंगे और इस तरह से रख लेंगे, जिस तरह से आपको भी लोगों को भी दिख पाए। देखिए यहाँ पे कुछ लाइट जला के देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ डायोड्स लगे हुए हैं, ये देखिए डायोड। तो इसकी टेस्टिंग करेंगे, अगर इसमें से कोई शॉर्टिंग मिलेगा तो हम इनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ज़्यादातर से यही शॉर्ट होते हैं इन स्कैनरों में, तो आपको यही देखना है। बिल्कुल साधारण और सिंपल तरीका है, रिड्यूस आप अपने कॉस्ट को कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा ये है हमारा डायोड, हम इनको चेक, ठीक है। तो उसके बाद से अब हम इसको चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे बीप साउंड आ गया। यहाँ पे बजर मोड पे चेक किया तो बीप साउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये शॉर्ट है। एक बार हमारा डायोड लगा तो इसको चेक करेंगे, देखिए नहीं, तो इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे, अगर बीप दे रहा हुआ बाहर भी तो हमारा ये शॉर्ट है, ठीक है। तो फिर इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारा ये चालू हो जाएगा। तो डिपेंड कर, आप सोच रहे हो कि डायोड मिलेगा कहाँ, डायोड आपको कहीं फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायोड हमारा मिल चुका है आसानी से। तो दोस्तों इसको निकालने के बाद बाहर हम चेक करेंगे कि बाहर अगर बीप कर रहा होगा तो ये शॉर्ट है 100%। ये देखिए बाहर भी बीप कर रहा है। तो अब हमारे आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि ये हम डायोड लाए कहाँ से। तो डायोड क्या करेंगे, हम डायोड लाएंगे अपने, हम लॉजिक कार्ड जो आपके पास स्क्रैप लॉजिक कार्ड रखिए, जैसे कि ओलिविट PR2 प्लस जो पासबुक प्रिंटर होता है उनका रखिए, ठीक है, जिससे कि आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने स्क्रैप कार्ड रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे डायोड लगे हुए हैं, इन्हें डायोड को निकाल के मैं यहाँ पर लगाऊंगा और चेक करूंगा कि हमारा स्कैनर ऑन होता है या नहीं होता है, वो देखेंगे निकालने के बाद। चलिए इसको निकालते हैं स्क्रैप बोर्ड से, फिर उसमें प्लेस करते हैं, फिर हम चेक करेंगे लगा के कि हमारा बीप कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमारा डायोड निकल चुका है, अब इसमें हम फिक्स करके देखेंगे। तो एन डायोड का वर्किंग होता है एनोड पर प्लस, कैथोड पर माइनस, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखें, तो एक बार प्रेशर ज़्यादा तो इसको, ये देखिए ये, इसको आप आयरन से भी निकाल सकते हैं और आयरन से भी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा अपना स्किल्स का यूटिलाइज करना होगा आपको, जिसके वजह से ये देखिए हमारा लग चुका। अब इसको शॉर्टिंग चेक करते हैं, जो बीप कर रहा था अब ऑन बोर्ड में कर रहा है या नहीं। तो पहले हम इसका देखिए, इसको आपस में टच करके देखते हैं, बीप कर रहा है और इसको देखिए कोई बीप नहीं कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो ये हमारा ओके हो चुका है, अब लगा के देखते हैं हमारा पावर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा ऑन का कंडीशन क्या है, स्टेटस बदला या नहीं बदला, वो हम चेक लगाने के बाद ही पता कर पाएंगे।
तो एक बार हम करते हैं कनेक्ट को इसको। अब एक बार पावर लगा के चेक करते हैं क्या स्टेटस है अपना इस चेक स्कैनर का। तो देखिए यहाँ पे पावर लगाया, अब ऑन कंडीशन देखेंगे इसका ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर ऑन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे महान भाव एक हैं, इनका नाम है प्रमोद कुमार सिंह, MD MD, यहाँ कंपनी ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर के लिस्ट में भी आते हैं, कम नहीं है। अब हम अपना पावर सप्लाई चेक करेंगे। पावर सप्लाई वोल्टेज बनना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट होने के बाद तो हमारा जो एडाप्टर होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। बहुत बढ़िया, डेड। तो देखिए इस केस में भी हमारा ऑन नहीं हुआ, तो हम पीसीबी को क्या करेंगे, सिंपल और आसान तरीके से रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हमारा शॉर्टिंग डेड कंडीशन को हमने फिक्स किया, बट वो ऑन नहीं हुआ।